गुजरात के कई इलाकों में कह ढा सकता है। कुछ ही घंटों में तूफान गुजरात से टकराने वाला है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही गुजरात के समुद्र तट पर जबरदस्त तबाही दिखने लगी है। वहां पर समुद्र तट से लगने वाले इलाकों में जोरदार बारिश होने के साथ साथ तेज हवाओं का दौर भी चलने लगा है। द्वारका, राजकोट समेत कई इलाकों में इस तूफान की वजह से पहले ही हाई अलर्ट घोषित किया जा चुका है। अब वहां पर समंदर में उठने वाली लहरें कई फीट तक पहुंचने लगी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान की वजह से कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तूफान को देखते हुए अब तक गुजरात के 8 जिलों में करीब 74,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा चुका है। विपुल जॉय, तूफान के आने से पहले ही गुजरात के कई जिलों में तबाही का मंजर दिखने लगा। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। तूफान अभी गुजरात के कच्छ के तट से दूर है, लेकिन इसकी वजह से कई इलाकों में हालात बेकाबू हो गए और तूफान की वजह से तेज हवाएं चलने लगी। गुजरात के राजकोट में तेज हवाओं और बारिश की वजह से एक बड़ा पेड़ गिर गया। जिस वक्त पेड़ गिरा, उसके नीचे एक ऑटो रिक्शा खड़ा था, जो उसकी चपेट में आ गया और उसके ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से दब गया, जिसे देखने के लिए वहां भीड़ लग गई। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के अरवल्ली में भी तूफान का खतरनाक असर देखने को मिला। वहां कई घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। हालात ये हो गए कि बारिश और जलभराव की वजह से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। इस बीच तूफान विपुल जॉय के खतरे को देखते हुए वायुसेना को अलर्ट कर दिया गया। इसके अलावा थल सेना और नौसेना को भी अलर्ट कर दिया गया, जो तूफान के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान अभी गुजरात से दूर है, 15 जून को कच्छ के जोखा से टकराएगा। लेकिन तूफान का असर पहले से ही दिखना शुरू हो गया। तूफान ने द्वारका से लेकर पोरबंदर तक तबाही मचा दी। तेज हवाओं और ऊंची ऊंची लहरों ने लोगों को डरा दिया, लेकिन इस खतरे से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना हाई अलर्ट पर है। गुजरात के सभी एयरबेस में हेलीकॉप्टरों को तैयार कर दिया गया। गुजरात के जामनगर, भुज और नलिया में एयरबेस को अलर्ट पर रखा गया। वहीं तूफान के लैंडफॉल के बाद राहत और बचाव के लिए एयरपोर्ट पर भी तैयारी की गई और जरूरत पड़ने पर यहां से भी ऑपरेशन चलाया जाएगा। इसके अलावा सेना की कई टीमों को भी तैयार रखा गया, जिनमें 13 इंजीनियरिंग टास्क फोर्स और 14 मेडिकल टीमें शामिल।